हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वीएम हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में देर के साथ स्वागत है, सुस्वागत है। दोस्तों, आई होप मेरा पिछला वीडियो आपको जरूर अच्छा ही लगा होगा। देखिए दोस्तों, कोई सा भाषा सीखना हो या कोई सा भी जिंदगी में सीखने की चीज हो, अगर हम उसके अभ्यास करेंगे तो उसे एक ना एक दिन जरूर हासिल कर लेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अभ्यास करते हुए वो चीज हासिल नहीं कर सकते। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम ज्यादा समय नहीं लेकर आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे क्लास को शुरू करने से पहले प्लीज 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 आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा। तो ठीक है गाइस, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे क्लास में पढ़ने वाले हैं तेलुगु में गिनती, जो नंबर्स होते हैं नंबर्स 1 2 3, वो आज हम सीखने जाएंगे। तो सबसे पहले आता है वन। वन मतलब ओकटी। रेंडू, मूडू, नालुगू, ऐदू, आरु, येडू, येनिमिदी, तोम्मिदी, पदी। पदी मतलब दस। देख रहे हैं, दस मिलियन है, ये पदी है। पदी के बाद आज हम पढ़ेंगे इलेवन। पदकोंडू, पन्निंडू, पदमूडू, पदनालगू, पदिहेनू, पदहारु, पदिहेडु, पद्धेनिमिदी, पन्तुम्मिदी, यरवाई। तो दोस्तों, आज हम ये नंबर को पढ़ेंगे और इन्हीं नंबर के सहारे आज हम एक दो वर्ड्स जानेंगे, उन्हीं वर्ड्स से एक दो सेंटेंस भी बनाएंगे जो कि हमें एडजस्ट करने के लिए काम देता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आज पढ़ेंगे वकटी। वकटी मतलब वन। रेंडू मतलब टू। मूडू, मूडू मतलब थ्री। नालुगु, फोर। ऐदु, फाइव। आरु, सिक्स। येडु, सेवन। येनिमिदी, एट। तोम्मिदी, नाइन। पदी, टेन। अभी हम पढ़ेंगे इलेवन। इलेवन मतलब पदकोंडू। पदकोंडु, इलेवन। पन्नेंडु, ट्वेल्व। पदिमूडु, थर्टीन। पदनालगु, फोर्टीन। पदिहेनु, फिफ्टीन। पदहारु, सिक्सटीन। पदिहेडु, सेवेंटीन। पद्धेंदी, एटीन। पन्तुंदी, नाइनटीन। यरवाई, ट्वेंटी। तो ठीक है दोस्तों, ये नंबर है, आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा अगर आपको जानना है तो। इसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जिस प्रकार हमारी हिंदी, इंग्लिश, उड़िया और डिफरेंट लैंग्वेजेस में जिससे गिनती होती है ना, वैसे हमारे तेलुगु में सेम ही गिनती होती है, आप लोगों को मालूम है। तो देखिए दोस्तों, ये जो गिनती है इसको हम अच्छा से अभ्यास करना है और इन्हीं नंबर्स को लेकर हम आज वर्ड्स और सेंटेंस भी बनाएंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए, वकटी मतलब एक होता है, रेंडू मतलब दो होता है, हो गया। मतलब एक मतलब सिंगुलर और एक से ज्यादा टू, थ्री, फोर, फाइव, जो भी वो होता है प्लूरल, वो आप सबको मालूम है, हो गया। तो अभी हम पढ़ेंगे एक रुपया दीजिए, दो रुपया दीजिए, तीन रुपया दीजिए, चार रुपया दीजिए। उसी प्रकार जितने भी नंबर होगा आज हिंदी में किसी प्रकार से हम बोलते हैं, उसी चीज को आज हम तेलुगु में भी प्रोनाउंस करेंगे। ओके, तो ठीक है दोस्तों, मैं बोलूंगा ओकर रूपाय इवंडी। इवंडी मतलब दोस्तों, मैंने पहले वीडियो बताया था ना, इवंडी हमारे जो बड़े रहते हैं हम उनको रसपर से दीजिए। इवंडी मतलब दीजिए। ई मतलब दे। ई मतलब दे।
तो ఒక రూపాయి ఇయి ఏ రూపాయి దే ఒక రూపాయి ఇవ్వండి ఏ రూపాయి దిజియే ఫి దో రూపాయి రెండు రూపాయలు बोलते हैं एक रूपाई मतलब एक रूपायलु मतलब दो मूड रूपायलु इवंडी नाल रूपायलु इवंडी मतलब क्या तीन रूपया दीजिए चार रूपया दीजिए ऐद रूपायलु इवंडी आर रूपायलु इवंडी येड रूपायलु इवंडी येडु मतलब सेवन येडु मतलब सेवन एम रूपायलु इवंडी आठ रुपया दीजिए तुम रूपये इवंडी नौ रुपया दीजिए पद रूपये इवंडी दस रुपया दीजिए पद रूपये दस रुपया इवंडी दीजिए पद रूपये इवंडी। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देने का बात हो गया दीजिए, और अब हम करेंगे लीजिए। अब हम क्या बोलेंगे लीजिए तीसुकोंडी रूपाय तीसको रेंडु रूपायलु तीसको मूड रूपायलु तीसको नालु रूपायलु तीसको ऐदु रूपायलु तीसको। दोस्तों मैं तीसको तीसको बोल रहा हूं ना, मैं वो छोटे को या हमारे दोस्तों को बोल सकते हैं। तीसको मतलब ले, एक रुपया ले, दो रुपया ले, तीन रुपया ले, चार रुपए ले, पांच रुपए ले। ठीक उसी प्रकार हमारे से जो बड़े रहेंगे उन्हें भी हम ऐसे बोलेंगे रूपाई तीसुकोंडी रेंडु रूपायलु तीसुकोंडी मूडु रूपायलु तीसुकोंडी नालुगु रूपायलु तीसुकोंडी ऐदु रूपायलु तीसुकोंडी। तो दोस्तों आप लोगों को तीसको और तीसुकोंडी में अंतर तो मालूम ही चल गया है। उसी प्रकार हम हर मतलब रुपए को लेन देन में ऐसे यूज कर सकते हैं लीजिए और दीजिए, लेकिन हम लोग काउंटिंग जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं तो आज बस 20 तक ही मैं नंबर सिखा रहा हूँ, और जब मैं नेक्स्ट क्लास करूंगा उसमें मैं 21 से 40 तक और नंबर सिखाऊंगा। फिलहाल आप इसी को प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये बोलना आ जाएगा। सही बात है ना, जैसे मैंने पहले समझाया था जो चीज अगर हम अभ्यास करेंगे वो चीज हम हासिल कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे मन में एकाग्रता की शक्ति होनी चाहिए, पाने की इच्छा होनी चाहिए। सही बात है ना। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास 21 से 40 तक काउंटिंग होगा, और उसमें और कुछ नए शब्द जोड़कर वाक्य बनाएंगे। तो आज हमने क्या सीखा, 1 से लेकर 20 तक गिनती, 30 को तीसुकोंडी इयी इवंडी, बस यही आज हमने सीखा है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो जो मेरे चैनल में नए आए हैं प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों से मिलता हूं, विदा, नमस्कार।